हाँ तो बच्चों, जैसे फैराडे का नियम ये बताता था कि फैराडे का लॉ ये बता रहा था, आपको जानकारी ये दे रहा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो इस तरह से होता है कि फ्लक्स में चेंज को अपोज करे, फ्लक्स बढ़ रहा हो तो घटाए, घट रहा हो तो बढ़ाए, तो उसके डायरेक्शन को बताता था। और ये ईएमआई में आप देखेंगे ना, मेनली डायरेक्शन का ही चक्कर रहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक, इसी का चक्कर रहता है। बाकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू तो d5/dt होती है। इतने सवाल हम लोग करते हैं, इतना पढ़ते हैं कि d5/dt डिफरेंशिएशन सब लोग कर ले जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती। मेन जो प्रॉब्लम इसके अंदर आती है वो डायरेक्शन निकालने की आती है। और डायरेक्शन का कितना ज्यादा महत्व है ये बात आप ऐसे समझ सकते हैं कि डायरेक्शन निकालने के लिए पूरा का पूरा एक नियम दिया गया है जिसको लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का जो लॉ है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू नहीं बताता, वैल्यू तो फैराडे ने बता दी। जो लेंज का नियम है ये बताता है कि उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर से देखेंगे तो कैसा है, नीचे से देख, मतलब डायरेक्शन को बताता है। तो लेंज का नियम बड़ा इंटरेस्टिंग सा नियम है। लेंज का नियम ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो इस तरह से होता है कि वो जिस कारण से पैदा हुआ है उस कारण का अपोज करे, जिस भी वजह से आया है, जो भी वजह, दूर जाने की वजह से आया है तो पास लाने की कोशिश करेगा, पास लाने की वजह से आया है तो दूर जाने की कोशिश करेगा, करंट बढ़ने से आया है तो करंट घटाने की कोशिश करेगा, करंट घटने से आया है तो बढ़ाने, मतलब जो भी वजह है ईएमएफ के इंड्यूस होने की, उस वजह का विरोध करता है। ये जो लेंज लॉ है ये डायरेक्ट बोलता है, फ्लक्स वक्स की बात नहीं करता ये कि फ्लक्स में चेंज घटाएगा, ये बोलता है कि जो भी वजह है इंड्यूस्ड ईएमएफ के आने की उस वजह का विरोध करेगा। तो जो लेंज का लॉ है वो यही कहता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द रीजन which has caused it. Induced EMF opposes the reason which has caused it. Induced EMF जो होता है वो उस reason को oppose करता है जिसकी वजह से ही आया है, जो भी वजह है, ठीक है, जो भी इसकी वजह है। मतलब आप इसको ऐसे समझ लें कि भाई ये ऐसा समझ लें जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, ऐसा मान लें। जो भी वजह, जैसे मान लीजिए बात बात पे अपने पिताजी का विरोध करें, तो अगर बात बात पे आप अपने पिताजी का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लेंज के लॉ को फॉलो कर रहे हैं। मतलब एक मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से पैदा हुआ है, जो भी उसके आने की वजह होगी उस वजह को वो अपोज करेगा। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जैसे ये मेरे सर ने बताया था, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, तो पॉलिटिशियंस जब पावर में आते हैं तो सबसे पहले उसी को निपटाते हैं जो उनका गुरु होता है। कोई भी एक पॉलिटिशियन का नाम लो आप, तो आप देखोगे कि सबसे पहले वो मतलब पॉलिटिशियंस की प्रॉपर्टी है कि जिस कारण से वो आते हैं उसी कारण का विरोध करते हैं। कोई भी एक पॉलिटिशियन आप ले लो, नाम मैं लेना पसंद नहीं करूंगा, ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आप जानते होंगे, उनके पिताजी को जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, तो दे अपोज द रीजन दैट हैज कॉज्ड देम, मतलब जिस भी वजह से आया है उस रीजन को ये कॉज करता है। जैसे एक बड़ी अच्छी सी कहानी है लेंज लॉ को समझने के लिए, आप समझ सकते हैं, एक कहानी थी, एक राक्षस था, शिव जी की कहानी थी, भस्मासुर की कहानी है। एक राक्षस था, उसने शिव जी की बड़ी तपस्या करी और तपस्या करने के बाद शिव जी जो है प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए और उससे बोला कि भाई क्या वरदान मांगते हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो भस्मासुर ने कहा कि भाई मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए। शिव जी बोले तथास्तु, भोले भाले होते थे शिव जी, भोलेनाथ नाम भी उनका, बोला तथास्तु। तो अब भस्मासुर ने यह सोचा कि मुझे वरदान मिल गया, तो उसने सबसे पहले सोचा कि शिव जी के सर के ऊपर ही हाथ रख के मैं ट्राई करूं कि ये इनका आशीर्वाद जो है वो सही है कि नहीं है। तो उसी तरह से लेंज का नियम है, लेंज का नियम ये बताता है कि जिस भी वजह से वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है उस वजह का विरोध करेगा, जो भी कारण है उस कारण का विरोध करेगा। अब जैसे इस चीज को मैं कैसे समझाऊंगा आपको, मान लीजिए कि ये एक मैग्नेट है, सॉरी एक करंट कैरिंग लूप है और इसके बगल में एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट इसकी तरफ जा रहा है, मान लीजिए ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो अब अगर ये मैग्नेट अगर इसकी तरफ जा रहा है तो इसमें जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो उस वजह का विरोध करेगा जिस वजह से ये पैदा हुआ है। तो अब ये इसके पास आने की वजह से पैदा हो रहा है, ये इसके पास नहीं जाता तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं पैदा होता। तो अब ये पास आने की वजह से पैदा हुआ है तो ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, ये रिपेल करने की कोशिश करेगा, यानी इसका जो नॉर्थ पोल आएगा वो इधर आएगा और साउथ इधर आएगा। और नॉर्थ इधर आने का मतलब कि इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा
जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो एंटीक्लॉकवाइज होगा, एंटीक्लॉकवाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तभी उसके कारण फील्ड, तभी उसके कारण मतलब एंटीक्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा साउथ इधर आ जाएगा। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उस वजह का विरोध करता है जिस वजह से पैदा हुआ था। ये पास जा रहा है तो पास जाने का अपोज करेगा, अपोज कैसे कर सकता है, रिपल्शन करके। ये नॉर्थ है तो इधर भी नॉर्थ आ जाए, इधर नॉर्थ आने का मतलब कि उंगलियों, मतलब जो नॉर्थ पोल है अगर मैं उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करूंगा तो इधर ही आता है नॉर्थ पोल, तो दोनों का नॉर्थ होगा तभी रिपल्शन होगा, अगर नॉर्थ साउथ होता तब तो अट्रैक्शन हो जाता। या दूसरी तरह से देखो, अगर मैं दूर ले जाता तो ये दूर जाने की वजह से ईएमएफ पैदा होता, तो फिर इसमें इधर साउथ पोल बनता, मतलब दूर जाने का विरोध करता यानी कि अट्रैक्ट करता, इधर साउथ पोल आ जाता, साउथ पोल आ जाता तो जो करंट होता वो क्लॉकवाइज हो जाता। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो उस कारण का विरोध करता है जिस कारण वो पैदा हुआ है। पास जाने की वजह से पैदा हुआ है तो पास जाने का विरोध करेगा, दूर जाने की वजह से पैदा हुआ है तो दूर जाने का विरोध करेगा। और देखिए मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं किस तरह से लेंज का लॉ जो है वो अप्लाई होता है, कुछ और सिचुएशन में बता रहा हूं आपको। एक सिचुएशन ये बनती है कि एक बड़ी सी, बड़ा सा एक सिलेंडर है, बहुत बड़ा सा सिलेंडर है, ठीक है। तो बहुत बड़ा सा सिलेंडर है और ये कंडक्टिंग सिलेंडर है, और हमने इसके ऊपर यहां पर एक्सिस पर एक मैग्नेट छोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये एक्सिस पे हमने एक मैग्नेट छोड़ दिया, मैग्नेट का नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, अब ये मैग्नेट फ्री फॉल कर रहा है, अब ये मैग्नेट जो है वो फ्री फॉल कर रहा है। तो अब इसमें सवाल बनता है कि जैसे मैं चार ऑप्शन दे देता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट विल बी पहला ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन जी, तीसरा ऑप्शन है लेस देन जी, चौथा ऑप्शन है कैन नॉट से, चार ही ऑप्शन हो गए। जो इसका एक्सेलेरेशन हुआ वो जी के बराबर होगा या जी से बड़ा होगा या जी से छोटा होगा या कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो अब दो मिनट सोचिए, फिर सोचने के बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये कुछ भी हो जाए, नॉर्थ पोल बने, साउथ पोल बने, क्लॉकवाइज बने, एंटी क्लॉकवाइज, उससे मतलब नहीं है। जब भी नीचे की तरफ आएगा तो इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा, ईएमएफ जो भी पैदा होगा वो इसके नीचे आने का अपोज करेगा, नीचे आने का अपोज करेगा यानी नीचे की तरफ एमजी लग रहा है तो एक ऊपर की तरफ एफ लगेगा, ठीक है। एक नीचे की तरफ एमजी लग रहा है तो ऊपर की तरफ एफ लग जाएगा, और अगर नीचे की तरफ एमजी ऊपर की तरफ एफ लग रहा है तो कुल मिला के इसमें क्या होगा कि इसका एक्सेलेरेशन जी से कम हो जाएगा, क्योंकि भाई जो भी होगा अपोज करेगा, अब नीचे आना चाह रहे हैं तो अपोज करने के लिए फोर्स ऊपर लगाएगा। अब इसमें फ्लक्स वक्स नहीं देखना आपको कि फ्लक्स किधर हुआ, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्ट हिट करता है लेंज का लॉ, सीधे हिट करेगा। ये बोलेगा उस वजह का विरोध करता है जिसकी वजह से पैदा हुआ, तो वजह तो इसका नीचे आना था तो विरोध करेगा, तो ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाएगा तो इस वजह से एक्सेलेरेशन जी से छोटा हो जाएगा, ठीक है। एक और सिचुएशन देखिए, एक और समाचार, सॉरी सिचुएशन, समाचार भी है सिचुएशन भी है, हाँ। तो ये देखिए, ये इस वायर के अंदर करंट जा रहा है और ये जो लूप है इसको हम ऐसे दूर ले जा रहे हैं किसी वेलोसिटी से, इस लूप को हम किसी वेलोसिटी से दूर की तरफ ले जा रहे हैं। तो जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें वही बताना है, सेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ईएमएफ होगा ही नहीं, या बता नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन। तो जैसे इसमें सेंस ऑफ, अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का सेंस निकालना है, तो जैसे देखिए इसको समझिए, ठीक है। इसको हम इससे दूर ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं तो जो भी ईएमएफ पैदा होगा वो उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण वो पैदा हुआ है। तो अगर हम दूर ले जा रहे हैं तो दूर ले जाने के लिए फिर क्या क्या कर, पास लाना चाहेगा, पास लाने के लिए अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट अगर तभी करता है जब सेम डायरेक्शन में करंट होती है। तो अगर इस वाले वायर में करंट इन दोनों में सेम डायरेक्शन में होगी तभी तो अट्रैक्ट करेगा। तो अगर हम दूर ले जा रहे हैं तो दूर जाने का विरोध करेगा यानी अट्रैक्शन करेगा, अट्रैक्शन तभी हो सकता है जब इन दोनों में करंट सेम हो, और अगर करंट इसमें सेम होगा
तो कुल मिला के जो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा वो क्लॉकवाइज आ जाएगा, क्लॉकवाइज ईएमएफ पैदा होगा। अगर हम बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। फिर से समझिए, हमें ये सब इसमें नहीं सोचना है कि फ्लक्स को घटा रहा है कि फ्लक्स को बढ़ा रहा है कि फ्लक्स आधा है कि फ्लक्स पूरा है। हमें यह देखना है कि हम दूर ले जा रहे हैं। अगर हम दूर ले जा रहे हैं तो दूर जाने का विरोध करेगा, और दूर जाने के विरोध करने का मतलब यह है कि ये दोनों एक दूसरे को मतलब अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट तभी कर सकता है जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, तो अट्रैक्ट करेंगे तभी जब इसमें करंट इन दोनों का सेम डायरेक्शन में हो जाए, तभी अट्रैक्शन होगा। आप कहोगे इसका इसका अपोजिट है लेकिन ये दूर है ना, तो इसका असर कम होगा। इसका इसका सेम, अच्छा ये आपको पता ही होगा, मैंने बता भी रखा है कि सेम डायरेक्शन में करंट होता है तभी वायर से दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लेंज का जो नियम होता है वो लेंज का नियम यही बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ उस वजह उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से वो पैदा हुआ है। अगर दूर जाने की वजह से है तो पास आने की कोशिश करेगा, पास आने की वजह से तो दूर जाने की कोशिश करेगा। तो ये लेंज का नियम होता है जिसकी मदद से हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। तो जैसे लेंज का लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, और लेंज का लॉ यही बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना वो उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ है। तो कभी भी आपको यह पता लगाना है ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो किस वजह से आया है, तो उसकी वजह देखें और उस वजह को वो विरोध कब अपोज कर रहा होगा। अब लेंज लॉ में जैसे एक तो ये हो गया डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, अब हम लेंज लॉ में ये देखेंगे कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू निकालना मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो वैल्यू निकालने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, इन क्वेश्चंस को जब आप करेंगे और फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक वायर लूप है और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है, ठीक है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है और क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 10t है, जहां t समय है और ये मैग्नेटिक फील्ड समय, तो चूंकि समय बढ़ता ही जाएगा t की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बढ़ती जा रही है। इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो क्वेश्चन इसके अंदर ये बन रहा है फाइंड द करंट इन द सर्किट। फाइंड द करंट इन द सर्किट, सर्किट के अंदर का करंट बताओ। तो मैं ऐसा करूंगा कि इसका जो ईएमएफ है वो निकालूंगा और करंट जो है आईई अपन आर के बराबर होगा। इसका एरिया भी दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका करंट आप निकालिए, 2 मिनट का समय लें, आप खुद से सॉल्व करें, फिर आर एस सर का सोल्यूशन देखें। तो अगर मुझे इसमें करंट निकालना है तो पहली बात तो ये देखें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो आती है वो d5/dt आती है, ठीक है। ऐसे तो -d5/dt होता है, लेकिन माइनस साइन तो सिर्फ ये बताता है ना, डायरेक्शन को बताता है, तो डायरेक्शन तो हम अपने कॉमन सेंस से पता लगाएंगे ही। पहले तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं d5/dt, फाई जो होगा वो b into a के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d b into a over dt, ठीक है, क्योंकि फील्ड भी अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है, जानते हैं हम लोग, जो भी हम एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है, तो बी और ए के बीच का एंगल जीरो है, तो बी ए कॉस जीरो, तो जीरो आ जाएगा, तो ये बी इंटू ए के बराबर हो जाएगा। अभी इसके अंदर एरिया कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा a dB/dt, और dB/dt अगर मैं यहां से देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड का टाइम का, तो ए की वैल्यू में रखूंगा तो dB/dt 10 के बराबर आ जा रहा है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 20 वोल्ट आ गया, 20 वोल्ट के बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अब ये देखें क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। देखो इसके अंदर क्या है, फील्ड बढ़ रही है यानी फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा वो उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए अपनी जो फील्ड लाएगा वो बाहर की तरफ लाएगा, ओरिजिनल के अपोजिट लाएगा, ओरिजिनल अंदर की तरफ है तो अपनी बाहर की तरफ लाएगा। बाहर की तरफ लाने का मतलब कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड, जो इमेजिनरी बैटरी हम बनाएंगे वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तभी उसका फील्ड बाहर की तरफ आएगा और ओरिजिनल को अपोज करेगा। अब ये जो इमेजिनरी एक बैटरी हमने बनाई है 20 वोल्ट की, ठीक है, ये बैटरी हो गई। अच्छा एक बात यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं कि किसी एक जगह ईएमएफ पैदा होता है, ईएमएफ पूरे लूप में ही पैदा होता है, हर जगह पैदा होता है, हम लोग किसी एक जगह बैटरी दिखा देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे 20 वोल्ट का ड्रॉप होगा, पूरे लूप में थोड़ा 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 मतलब dB/dB/dB करके ओवरऑल खूब सारा ड्रॉप होगा, वो 20 वोल्ट के बराबर होगा। अभी 20 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो
बच्चा भी बता देगा कि करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 20/5, तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर, तो करंट की वैल्यू 4 एम्पियर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू और करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और सवाल मिलता जुलता, सेम इसी टाइप का, इसके अंदर क्या है ना कि जो बी है वो 10t के बराबर है। फिर से भाई एरिया, फिर से भाई 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक असली बैटरी है, एक असली की सच में बैटरी है, बैटरी जो मतलब ये कोई इमेजिनरी बैटरी नहीं, सच में एक बैटरी, कंपनी का नाम भी बता देता हूं मैं, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी है, निप्पो कंपनी, हिप्पो कंपनी, किसी कंपनी, एवरेडी की किसी एक बैटरी है, और ये बैटरी 30 वोल्ट की है, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है, ठीक है, और ये जो 30 वोल्ट की बैटरी मैंने बनाई है ये रियल बैटरी है, कोई ये ऐसा नहीं कि कोई बैटरी इन सच में लगा दी गई है, ठीक है, इस लूप के अंदर। तो सवाल फिर से वही है, फाइंड करंट, फाइंड करंट, ठीक है। तो अब यहां पे आपने असली बैटरी लगा रखी है, नकली बैटरी लगा रखी है, फलाना लगा रखा है, ढिमका लगा रखा है, उससे मतलब नहीं है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो d5/dt के बराबर होगा, जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो d5/dt के बराबर होगा, बस बात इतनी सी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ d5/dt के बराबर होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ चूंकि ना एमबी बदला ना ए बदला, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वही आ जाएगा adb/dt, वैल्यूज रखूंगा मैं 2 × 10, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो ओरिजिनल का अपोज करेगा, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो ये फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ओरिजिनल का अपोज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तो 20 वोल्ट का एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। तो ये 20 वोल्ट की एक इमेजिनरी बैटरी हो गई जो एंटी क्लॉकवाइज करंट चलाना चाहती है, एक 30 वोल्ट की रियल बैटरी हो गई जो क्लॉकवाइज करंट चलाना चाहती है। कौन सी बैटरी जीतेगी, जो ज्यादा ताकतवर होगी। तो अब अगर मैं इस पूरे लूप के लिए केवीएल लगा दूं, मान लो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और स्टार्ट करता हूं, तो यहां से यहां तक जाऊंगा तो 30 वोल्ट वोल्टेज बढ़ जाएगा, फिर यहां से यहां तक आईआर घट जाएगा, फिर यहां से यहां तक जाऊंगा 20 वोल्ट और घट जाएगा, फिर मैं वहीं पहुंच गया, ये 0 के बराबर होगा। सॉल्व करेंगे, आई की वैल्यू जो आएगी वो 2 एम्पियर आएगी, और ध्यान दें आई जो इस बार आएगा ना वो क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि ये बैटरी अपने हिसाब से चलाएगी करंट, ठीक है। तो आई जो आएगा वो 2 एम्पियर के बराबर हो जाएगा इस केस में। इस तरह से आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस बार क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड तो कॉन्स्टेंट है, 10 टेस्ला के बराबर है, लेकिन ये जो लूप है ना, इस लूप का रेडियस लगातार बढ़ रहा है 2t, और इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है 5 ओम के बराबर। रेडियस समय के साथ बढ़ता जा रहा है, तो रेडियस अगर समय के साथ बढ़ता जा रहा है तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फाइंड करंट इन द सर्किट, सर्किट का करंट बताओ, ठीक है, फाइंड करंट इन द सर्किट। तो अब अगर हमें सर्किट का करंट निकालना है, तो सर्किट का करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, फ्लक्स जब भी फ्लक्स में चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स 3 तरह से चेंज होता है, पहला मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके, दूसरा एरिया चेंज करके, तीसरा कॉस थीटा चेंज करके। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन इस लूप का एरिया बदल रहा है, एरिया बदल रहा है तो भी इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा। अब ईएमएफ जो है वो d5/dt के बराबर होता है, ठीक है, d5/dt के बराबर होता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी d A/dt हो जाएगा, d A/dt। अच्छा, एरिया होगा πr², हाँ, एरिया होगा πr², पाई बाहर आ जाएगा ∫r² / dt, ये हो जाएगा। तो मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं b πr² dr/dt, ऐसे लिख सकता हूं इसको। dr/dt अगर मैं यहां से देखूंगा तो यहां से dr/dt की जो वैल्यू आएगी ये 2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो आएगा b πr² dr/dt, dr/dt 2 के बराबर हो गया,
और 2 से 2 4 हो जाएगा, तो 4 पाई बी इंटू आर, डी आर अपॉन डी टी 2 हो गया, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई बी इंटू आर, ये वैल्यू आ जाएगी इंड्यूस डीएमएफ की। अब इंड्यूस डीएमएफ की वैल्यू आ गई, तो अब इसके अंदर जो भी इंड्यूस डीएमएफ होगा उसके हिसाब से जो करंट आएगा वो ई अपॉन आर आ जाएगा। ई की वैल्यू है 4 पाई, बी कितना है 10, और स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो 2t दे रखी है, अपॉन जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम दे रखा है, तो ये हो जाएगा 16 पाई टी, ये करंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर से देखें, डी फाइव बाई डी टी होता है, फाइव होगा बी इंटू ए, बी बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, डी ए बाई डी टी, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा टी के रिस्पेक्ट में 2r इंटू डी आर बाई डी टी, यहां से डी आर बाई डी टी की वैल्यू उठा के मैंने 2 कर दी, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 पाई बी आर, 4 पता है, 4 मतलब 4 तो पता ही है, पाई बी की वैल्यू आपको दे रखी 10, ठीक है, आर 2t के बराबर है, सॉल्व करेंगे तो ये 16 पाई टी के बराबर करंट की वैल्यू आ जाएगी। एक सवाल यहां पर ये भी आपके दिमाग में आया होगा कि ये करंट जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा या क्लॉकवाइज आएगा, तो अब देखिए, जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो उस वजह का विरोध करेगा जिस वजह से आया है, तो अब इसके अंदर क्या है कि आप समझें कि एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो घटाना चाहेगा, फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाना चाहेगा, तो घटाने के लिए वो अपना जो मैग्नेटिक फील्ड लाएगा वो बाहर की तरफ लाएगा। भाई देखिए, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, फाई बराबर बी इंटू ए है, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो फ्लक्स घटाने के लिए वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ लाएगा, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ लाएगा तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज आएगा और ये 16 पाई टी के बराबर हो जाएगा। तो अभी देखिए, मैं आपको क्या सिखा चुका, बी ए कॉस थीटा, अगर आप बी बदलोगे तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, एरिया बदलोगे तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, अगर आप थीटा बदलोगे तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो एक मैं आपको और सिचुएशन बता रहा हूं जहां पर हम थीटा बदल करके इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, थीटा बदलेंगे और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे। सवाल बारीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक ये एक लूप है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी के बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वैरी नहीं कर रही है, ठीक है, और जो ये लूप है इस लूप के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कैपिटल एन है, लिखा नहीं रहा हूं मैं, समझ लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी के बराबर है और इस लूप का एरिया ए के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, एट टी इज इक्वल टू जीरो द लूप स्टार्ट्स, एट टी इज इक्वल टू जीरो द लूप स्टार्ट्स रोटेटिंग, at t is equal to 0 the loop starts rotating with constant angular velocity, at t is equal to 0 the loop starts rotating with constant angular velocity, find the EMF induced at the end of t seconds. At t is equal to 0, the loop starts rotating with constant angular velocity. Angular velocity omega ke barabar de rakhi hai. ठीक है, t is equal to 0, the loop starts rotating with constant angular velocity, find the EMF induced at that end of t seconds. दो मिनट का समय लीजिए, क्वेश्चन को पूरी जान लगा के सॉल्व कीजिए, फिर आर एस सर का सोल्यूशन देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है।
टी इक्वल टू जीरो पे लूप जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड एट द एंड ऑफ टी सेकंड, तो टी सेकंड के अंत में आपको इसका ईएमएफ बताना है। ठीक, अभी फिलहाल देखिए ये जो लूप है इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है। कुछ समय के बाद ये जो लूप है, अभी फिलहाल दोनों एरिया वेक्टर और फील्ड अंदर की तरफ है, कुछ समय के बाद ये जो लूप है ना वो ऐसे थीटा रोटेट कर जाएगा। जब ये थीटा रोटेट कर जाएगा तो टी समय के बाद अगर थीटा रोटेट कर रहा है तो थीटा होगा ओमेगा इंटू टी। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, तो थीटा ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। तो टी समय के बाद इसका जो फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा बी ए कॉस थीटा। नंबर ऑफ लूप्स एन है तो इसलिए मैंने एन, एक लूप का फ्लक्स अगर बी ए कॉस थीटा है तो एन लूपों का एन बी ए कॉस थीटा होगा, तो ये एन बी ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा और हम इसी को लिखेंगे एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब आपसे कह रहे कि भाई इंड्यूस डी में बताओ, तो इंड्यूस डी में ई जो आएगा वो डी फाइव बाई डी टी के बराबर होगा। मॉड लेते हैं हम लोग, प्लस माइनस से मतलब नहीं होता, डायरेक्शन तो हम सोच के निकालते हैं, माइनस का साइन कुछ नहीं बताता इसके अंदर, डायरेक्शन तो हम सोच के निकालते हैं कि भाई अभी लूप यहां है, घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगा, तो ई की वैल्यू डी फाइव बाई डी टी के बराबर होगी। हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा एन बी ए, डिफ्रेंशिएशन में डायरेक्ट लिख रहा हूं एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ये इंड्यूस डीएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो एन बी ए ओमेगा है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, बी फील्ड हो गया, ए एरिया हो गया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो गई, इसको अगर मैं ई नॉट बोल दूं तो ई इज इक्वल हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर ई नॉट जो है ये एन बी ए ओमेगा के बराबर होता है। और इसको ये बेसिकली एसी है, अल्टरनेटिंग करंट आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो लेकिन इतना आपको याद होगा कि एसी का इक्वेशन साइन का होता है, तो बेसिकली ये अल्टरनेटिंग करंट ऐसे ही पैदा की जाती है, ये जो डिवाइस है इसी को एसी जनरेटर कहते हैं। एसी प्रोड्यूस करने का तरीका यही है कि एसी के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत भी याद हो तो जो वोल्टेज होता है, तो पढ़ा नहीं होगा लेकिन कभी ना कभी डिस्कवरी में यहां वहां सुना होगा, उसका जो फंक्शन होता है साइन का फंक्शन होता है, घटती बढ़ती रहती है एसी, तो ये बेसिकली एसी जनरेटर है। और ये जो ई नॉट है ना ये एन बी ए ओमेगा के बराबर है, और इसको हम लोग आगे चल करके एसी, इसके बाद अगला चैप्टर एसी है, तो इसको हम लोग पीक वोल्टेज के नाम से जानेंगे, पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज का मतलब जो मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू है वो ये हो जाएगी। और ये डिवाइस मतलब कुल मिला के मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं, या तो आप ए बदल दो या बी बदल दो या थीटा बदल दो या कोई तीनों में तीन के तीनों बदल दो या कोई दो बदल दो या कोई एक बदल दो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो भी ईएमएफ है वो इंड्यूस होना चालू हो जाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसके अंदर आता है कि अगर कोई बंद लूप है और हम उसका फ्लक्स चेंज कर रहे हैं तो उससे कितना चार्ज फ्लो करेगा। सपोज करिए कि ये कोई एक बंद लूप है, रैंडम शेप की कोई एक बंद लूप है, और इस लूप का जो रेजिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, इस लूप का रेजिस्टेंस आर है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बदल रही है, या क्या पता इसका एरिया बदल रहा हो या क्या पता एंगल बदल रहा हो, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो भी इंड्यूस ईएमएफ आएगा ई वो बराबर होगा डी फाइव बाई डी टी। अच्छा, जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, चूंकि इस लूप के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो करंट पैदा होगा, तो वो बराबर हो जाएगा आई इंटू आर, आई इंटू आर के बराबर हो जाएगा। अब इसमें अगर हम इस चीज को ऐसे देखें कि डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई की जगह हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, डी टी से डी टी चला जाएगा और डी क्यू की जगह आएगा डी फाइव अपॉन आर, जो डी क्यू आएगा उसको डी फाइव अपॉन आर लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि जो फ्लक्स था शुरू में फाइव वन था और बाद में फाइव टू हो गया, और चार्ज शुरू में तो फ्लो कर ही नहीं रहा था, बाद में जो फ्लो किया वो डेल्टा क्यू फ्लो कर गया, कुल इतना चार्ज फ्लो कर गया। तो अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करके लिखूंगा तो डेल्टा क्यू जो होगा ये बराबर हो जाएगा फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन आर, या डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा फाइव बाई आर के बराबर हो जाएगा। एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है कि कोई भी अगर बंद लूप है उसमें फ्लक्स आप बदलना है किसी तरीके से, बदलना है बी बदल के, ए बदल के, थीटा बदल के, दोनों बदल के, तीन बदल के, किसी भी तरह से, तो उससे जो चार्ज फ्लो करेगा वो डेल्टा फाइव बाई आर के बराबर होगा, जहां डेल्टा फाइव टोटल चेंज इन फ्लक्स है, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स है अपॉन रेजिस्टेंस। इस तरह से आप चार्ज फ्लो निकाल सकते हैं। छोटा सा एक सवाल बनता है इसके अंदर,
ये एक लूप है, मान लेते हैं कि इस बार मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, डॉट क्रॉस कुछ भी हो मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बी और लूप का एरिया ए है। मैग्नेटिक फील्ड जो है बी कांस्टेंट है और लूप का एरिया ए के बराबर है, और लूप का रेजिस्टेंस आर के बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये बन रहा है, इफ द लूप इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री, इफ द लूप इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज फ्लो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज फ्लो। If the loop is rotated by 180 degree, find the magnitude of the charge flow. Loop अगर 180 degree rotate कर दिया गया तो charge flow का magnitude आपको बताना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि हम जैसे इस loop को rotate करा रहे हैं, दो मिनट का आप समय लेकर के इस question को पहले solve करेंगे फिर RS का solution देखेंगे। तो loop अगर 180 degree rotate कराया गया तो charge flow का magnitude आपको निकालना है। तो पहले देखें इसके अंदर, शुरू में अगर इसका flux देखें, शुरू में इनिशियल जो फ्लक्स होगा, जैसे मैं मान रहा हूं कि भाई एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है, फील्ड बाहर की तरफ है, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री है, तो b इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 180, तो ये बराबर जाएगा माइनस बी ए। बाद में मैं मान रहा हूं जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट करा दोगे तो जो चीज इधर थी वो इधर चली गई, तो अब वही जो एरिया वेक्टर आपने अंदर की तरफ लिया था वही बाहर की तरफ आ जाएगा। तो अब जो फाइनल फ्लक्स आएगा आ जाएगा b इंटू ए इंटू कॉस ऑफ जीरो। ठीक है, b इंटू ए इंटू कॉस ऑफ जीरो, तो ये b इंटू ए के बराबर हो जाएगा, फाइनल फ्लक्स आ गया। अब आपसे करें चार्ज फ्लो बताओ, तो चार्ज फ्लो अगर आपको निकालना है डेल्टा q, तो ये बराबर होता है डेल्टा फाइव बाई आर। चेंज इन फ्लक्स निकाल लेते हैं, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, तो फाइनल फ्लक्स ba है, इनिशियल फ्लक्स है माइनस ba अपॉन आर, कितना हो जाएगा ये 2ba अपॉन आर। तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू आएगी वो 2ba अपॉन आर के बराबर जाएगी। तो चार्ज फ्लो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं।